हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मीनाक्षी मुखर्जी का द मेकिंग ऑफ नेशन उसकी समरी लेके आया हूँ, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हर एक आदमी ये जानता है कि जितने भी नरेटिव हैं यानी कि कहानियां हैं, उन्हें किसी स्पेसिफिक टाइम के कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में ही पढ़ा जाना चाहिए, कोई स्पेसिफिक टाइम या प्लेस हो। पर हमें यह हमेशा याद नहीं रहता है कि जब एक नरेटिव जो है, कोई भी कहानी है, वो किसी कल्चर से निकलती है, तो वो कल्चर से निकलती है, लेकिन वो कल्चर के कंस्ट्रक्शन, उसके निर्माण और डेफिनेशन में भी कंट्रीब्यूट करती है। स्टोरीज और कम्युनिटी हैं, वो एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप में जुड़ी रहती हैं, जिससे कि क्या होता है, लिसनर को ये पता चलता है कि किस तरह से उनका प्रेजेंट है वो उनके पास से आ रहा है। स्टोरी जो है वो लोगों को इकट्ठे भी ला सकती हैं। ये जो समुदाय को का जो कम्युनिटी का जो निर्माण करने की एबिलिटी है, वो ना केवल एक एपिक की या किसी ओरल टेल या मौखिक कहानी की एबिलिटी है, बल्कि ये जो है एक नरेटिव फिक्शन की सबसे बड़ी पावर है, जो आज भी है। अगर हम कुछ पिछली इस सेंचुरी के कुछ सेमिनल इंपॉर्टेंट नॉवल्स देखें, तो हम क्या देखेंगे कि स्टोरीज जो हैं वो समय समय पर बदलती रहती हैं, उनका नेचर बदलता रहता है और उनका उनके बताने का तरीका बदलता रहता है, लेकिन इससे हमारे जो समुदाय की इमेज है या समुदाय कम्युनिटी या कम्युनिटीज की जो इमेज है वो भी बनती रहती है, और जिसे हम उन्हें पढ़ते हैं। आज आप देखेंगे बहुत सारे दशकों से ये जो डायलॉगिक इंट्रोडक्शन है वो कुछ पैटर्न पे चलता है, चाहे वो कंटिन्यूटी से हो या रप्चर से हो। तो ये सबसे अभी बात करते हैं कि किसी भी कम्युनिटी, चाहे वो एक ट्राइब है, एक जनजाति है, कोई गांव की कम्युनिटी है, या कोई एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग हैं, या कोई एक जैसे धर्म के लोग हैं, या कोई बड़ा समुदाय जिसे हम देश भी कह सकते हैं, सबसे पहले उसे रियल मानना चाहिए। वो डिस्कोर्स जो कि देश को बनाता है या भारत में देशभक्ति लेके आया था, वो अलग अलग तरीके से आया। कॉलोनियल एजुकेशन से आया, जर्नल से आया, लिटरेचर, न्यूज़पेपर, पब्लिक स्पीच, सॉन्ग, ड्रामा, ओरल नरेशन, फिल्म्स, ये सब के सब आपस में कुछ इंटरलिंक्ड हैं, पर इस पेपर में मैं आपको सिर्फ नॉवल्स के रोल के बारे में बताना चाहती हूं। ठीक है सर। अब वो कहता है कि मैं एक सिंगल लैंग्वेज की के ऊपर ध्यान नहीं दूंगी, जैसे कि जो कि भारत में जितने भी लिटरेरी आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस है। मैं आप अपना एग्जांपल जो है रैंडमली नोवेल से निकाल के लाऊंगी, जिन्हें मैंने पढ़ा है, यानी कि बंगाली, हिंदी और इंग्लिश। आपको अच्छी तरह से पता है कि पिछले सेंचुरी की एंड में हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकल फिक्शन की एक बाढ़ आ गई थी। इस इनडायरेक्ट वे में ये जो था, ये एक तरीका था कि हम अपना एक जो हमारा एक ग्लोरियस प्री कॉलोनियल पास था, जो हमारा एक शानदार भारत का गुलामी से पहले वाला एक हिस्सा था, और जो हमने बाकी लोगों के खिलाफ किस तरह से हमने लड़ाइयां जीती थी, इस तरह से हमने एक नेशनहुड, एक देशभक्ति का सेंस क्रिएट किया। सुदीप कविराज जो है, उन्होंने अपनी मोनोग्राफ इन इमेजिनरी हिस्ट्री में इस टर्म को बताया है। बंकिम चंद चटर्जी, इन्होंने वो जाति का यूज कास्ट के लिए किया था, धार्मिक ग्रुपों के लिए, लैंग्वेज के लिए किया था, रिलीजियस कम्युनिटी के लिए किया था और देश के लिए किया था। पर उनका जो जबरदस्त टेक्स्ट है आनंद मठ, जिसने कि एक तरह का मदरलैंड पेट्रियोटिज्म स्टार्ट कर दिया, बंकिम चंद चटर्जी ने जो एक काल्पनिक समुदाय बनाया जिसने कि विदेशी शक्तियों का विरोध किया, और वो समुदाय हिंदू था। इसके बाद के में 20th सेंचुरी के अर्ली डेकेड में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी दो नॉवल लिखे, गोरा और घरे भरे। संदीप था वो एक कोल्ड ब्लड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर्सन था, जिसने कि पीछे से मदरलैंड का कंट्रीब्यूशन किया। मैंने घरे भरे पे वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद में संदीप के जो फॉलोवर थे वो देश को माता के रूप में देखते थे। निखिलेश
जो कि एक मानवतावादी लैंडलॉर्ड था, वो कुछ आर्थिक प्रश्नों पर ध्यान पर ही फोकस करता था और वो रूरल ऑपोजिशन के अलग अलग टाइप को बताता था जिससे लोग बटे हुए थे। वो संदीप का जो वंदे मातरम का इमोशनल रिटोरिक था उससे निकल गया। बिमला जो थी वो उसकी भी यहाँ पे हमें प्रेजेंस दिखती रही जो कि निखिलेश और संदीप की विरोधी आइडियोलॉजी में लड़ती रही। उसको एक आत्मा के रूप में, देश की आत्मा के रूप में मानते हुए संदीप अपनी उसकी ऑटोनोमी, उसको इंडिविजुअल नहीं मानता है। देश की पूजा माता के रूप में करना और वुमन को देश की पूजा माता के रूप में करना और वुमन को स्पिरिचुअल पावर मानना, ये दो अलग अलग प्रक्रिया है, पैरेलल प्रक्रिया है। एक में जो है हम औरत को गुलाम बना देते हैं जबकि दूसरा देश को लोगों के ऊपर खड़ा कर देता है। ना केवल रविंद्रनाथ टैगोर के नोवेल जो थे वो नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट को क्रिटिक करते थे बल्कि इस प्रोसेस में वो मस्कुलिनिटी के मॉडल को भी क्वेश्चन उठाते थे जिस तरह से देश को हमेशा दिखाया जाता है। निखिलेश और संदीप की बात करते हैं चाहे तो उसे हम मॉडर्न मॉडरेट और एक्सट्रीम भी कह सकते हैं, सेक्युलर या रिलीजियस भी कह सकते हैं, लेकिन ये नोवेल का एक सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा जो कि खास करके फ्रीडम की नेचर की बात करता है चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव लेवल पर सबके साथ हो। पर वो एक बाइकोलर ट्रैप में भी आ जाता है जिसमें हमने देशभक्ति की हिस्टोग्राफी हमने पढ़ी है जिसके अंदर क्या हुआ कि कुछ खास कैटेगरियों का जन्म हुआ। जो ये नरेटिव टेक्स्ट है वो हमें ये भी बताते हैं कि जो टेक्सचुअल और वेब सोसाइटी सोशल कॉन्टेक्स्ट जिसे ये नॉवल प्रेजेंट करते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल कैटेगरी जो कि बहुत सारे इरेशनल पुल से निकलती हैं। ये खास बात रविंद्रनाथ टैगोर के दूसरे नॉवल गोरा में भी दिखाई देती है। गोर मोहन या गोरा जो है उसके बाकी अंग्रेजी पढ़े लिखे और वेस्टर्न कंटेम्परेरी के बदले एक एनार्किक फिगर बनना चाहता है कलकत्ता में। वो अपने हिंदुत्व को बड़े ही जबरदस्त तरीके से बताता है। गोरा ये बताता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, कॉलोनियल एनजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, एक ऐसी एनजाइटी जिसमें लोग क्या है जिसमें वैल्यू जो है लोगों की परसेप्शन थिंकिंग को चेंज कर देते हैं। गोरा जो है वो हिंदू रिचुअल से जुड़ा रहता है और वो ब्राह्मण सिंबल्स को पूरी तरह से दिखाता है कि वो उतना ज्यादा हमें डायरेक्ट नहीं करते हैं जितना कि ब्रिटिश जेस्चर करते हैं क्योंकि जो उसके बाकी भारतीय साथी हैं वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रति अपना जोश दिखाते हैं क्योंकि शुरू में गोरा जो है वो ब्रिटिश मिशनरी के साथ साथ लड़ाई करता है अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के कॉलम में कि भारत का जो हिंदू कल्चर कितना महान है। जैसे बंकिम चंद चटर्जी ने अपने रियल लाइफ में हेस्टी के साथ साथ डिबेट में किया था पर गोरा जल्दी ही अपने डिफेंसिव स्टैंड को छोड़ देता है कि वो कहता है कि सर मैं अपनी कंट्री को ट्रायल में नहीं खड़ा करना चाहता हूं, किसके लिए खिलाफ, एक एलियन कोर्ट में, और उसको अपने वर्चू के लिए डिफेंड करूं। इसका एम किसी भी कल्चर को एलिवेट करना नहीं था बल्कि अपनी उसको अपनी शर्तों में समझना था बिना किसी एक्सट्रीम एक्सटर्नल यार्डस्टिक के। और यही गोरा की जो हिंदुइज्म के प्रति शक्ति है वो एक रिएक्शन करती है। नोवेल में गोरा की एंटरप्राइज को आदर्शवादी नहीं बताया जाता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो है इसमें एक ऐसा सोल्यूशन दिया जाता है जो हाईलाइट किया जाता है पर इसमें गोरा के इनर कन्फ्लिक्ट को बताते समय नोवेल जो है वो कल्चरल आइडेंटिटी पर एक डिस्कोर्स बना देता है जिसमें देश धर्म संस्कृति जैसे समस्या पैदा करने वाले शब्द आते हैं। ये जो डिस्कोर्स है वो अपनी कंट्रोवर्सिटी आज भी नहीं खोता है, जो भी हमारे धर्म जाति और एथनिटिसिटी आइडेंटिटी के खिलाफ जो इश्यू बनाए जाते हैं उनमें स्पष्ट होता है। गोरा और घरे भरे जो हैं वो ऐसे टेक्स्ट हैं जिन्हें लिटरेचर में कभी भी किसी डिस्कशन में लिया जा सकता है। इन 20th सेंचुरी नॉवल से अब मैं अपनी टेंशन को
सतीनाथ बादुरी की जागरी जो, और बंगाली में मैला अंचल, फनीश्वर की फनीश्वरनाथ रेणु का मैला अंचल और श्रीलाल शुक्ला का राग दरबारी जो कि दोनों हिंदी में हैं, इन पर डिस्कस करती है कि किस तरह से देशभक्ति की जो भावना थी वो फ्रीडम स्ट्रगल की प्रायोरिटी और स्ट्रेटर्जी थी और अब क्या है, अब उसे रिस्ट्रक्चर किया गया है और वो उसमें जो लोकलाइज नरेटिव हैं वो बताए जाते हैं। पोस्ट कॉलोनियल एक टर्म जो है वो अधिकतर थर्ड वर्ल्ड इंग्लिश टेक्स्ट में यूज की जाती है। इसमें ये एक इनएडिक्वेट कैटेगरी है नोवेल की ही, क्योंकि जो कॉलोनाइजिंग अदर है वो नई अदर फॉर्म में आ चुका है और अब वो रेफरेंस का पॉइंट नहीं रहा है, जो कन्फ्लिक्ट है वो कहीं और आ गए हैं। शांतिनाथ बादुरी का नोवेल एक पूर्णिया की एक पॉलिटिकल फैमिली के बारे में है जिसमें 1940s की जो मूवमेंट की टेंशन है वो इंडियन और ब्रिटिश के या हमारे या उनके बीच में नहीं है, बल्कि गांधियों के स्प्लिंटर ग्रुप, वो जो चरखा काटने वाले समाजवादी और फॉरवर्ड ब्लॉक के बीच में, ये जो डिस्टिंक्शन है ना केवल डायनेमिक प्लॉट बना देता है बल्कि एक फैमिली को भी फाड़ देता है। रेणु के मैरीगंज की जो पॉलिटिक्स है उसने क्या किया, राजपूतों के बीच पावर इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। राजपूत, यादव और क्षत्रिय, जहां पर ब्राह्मण जो है एक बैलेंसिंग रोल निकालते हैं। श्रीराज शुक्ल का के शिवपालगंज में जो फैक्शन है वो इतने ज्यादा स्कीमेटाइज्ड हैं और जो नेशनल यूनिटी का रिटोरिक है वो एक सस्टेन लैंग्वेज ऑफ इररेलीवेंस में बन जाता है। इसके बाद में भारतीय कल्चर की जो वननेस है, एकता है, वो शिवपालगंज में दिखाई देती है, जहां कॉमन नेशनल टैलेंट क्या है वो इंटीग्रू, चिकनरी और डबल डीलिंग है। राग दरबारी जो है इन तीनों नोवेल में सबसे ज्यादा नया है और इसमें एक बहुत ही ज्यादा सिनिसिज्म और ब्लैक कॉमेडी है। ये तीनों नोवेल अपने परसिस्टेंस जो इनके अंदर क्या है, ग्रास रूट पॉलिटिक्स की इंटीग्रेसी है, लेकिन एक किसी भी तरह से एक जैसे नहीं है। जगरी के जो चारों मेजर करेक्टर है, गांधीवादी बाप और दो लेफ्टिस्ट बेटे, वो आपस में उनके अंदर विचारधारा का संघर्ष है, किस तरह से वो नेशनल मूवमेंट में फंसे हुए हैं। हालांकि उनकी मदर है वो कभी भी उसे भाषण देना नहीं सिखाया जाता, लेकिन वो भी अपने तरीके की एक पॉलिटिकल वर्कर है। गोरा में ऐसा नहीं है, वहां पे क्या कोई भी बंदा भारतवर्ष के कॉन्सेप्ट को नहीं लेके आता है, ना ही वहां पे कोई ही आजाद भारत का सपना है जिससे उनका एक्शन आगे बढ़े। ये जो रास्ते हैं ये आपस में कटते हैं और करेक्टर जो हैं वो बार बार अपनी जर्नी की संघर्ष यात्रा में चले जाते हैं, जो कि उनके अकॉर्डिंगली स्ट्रगल का विजन है। ये एक जबरदस्त ह्यूमन नरेटिव है जिसमें पर्सनल अटैचमेंट की बात है, क्योंकि इसमें जो है छोटे छोटे मोमेंट है वो छोटी छोटी बातें हैं यादों में उठती रहती हैं, जिससे कि नेशनल नैरेटिव जो है उसका बैकग्राउंड हेजी हो जाता है। पूर्णिया सेंट्रल जेल की जो बदनाम कोठरी है, जहां पे उसे टांगने से पहले बिल्लू जो है वो बहुत ज्यादा दुखी होता है कि वो इसलिए दुखी होता है क्योंकि इसलिए दुखी नहीं होता कि वो देश के झंडे को आजाद नहीं दे सका, बल्कि उसे वो इसलिए दुखी होता है कि उसे याद नहीं रखा जाएगा। वो कहता है कि सर मेरा नाम हिस्ट्री में याद नहीं रखा जाएगा, मेरे को केवल उसी सरपेंटाइन कुएं में खड़ा होने का मौका मिलेगा जिन्होंने देश को इस तरह से सेवा की जैसे लोग फुटबॉल मैच के अंदर टिकट खरीदते समय लाइन में लगते हैं। जैसे कि जो ये फुटबॉल मैच के लिए लाइन का जिक्र आता है, तो वहां पर वो क्या है, वो स्ट्रगल को आइडियलाइज नहीं करना चाहता है। जब नीलू जो है वो अपने भाई का धोखा को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि साहब मैंने उसे आइडियोलॉजी के ग्राउंड पर बिट्रायल किया था, तो उसका जो सेल्फ डिल्यूजन है वो हमें बिल्कुल झूठा दिखता है। कुछ भी पवित्र नहीं है। जो बच्चे हैं वो अपने गांधीवादी फादर को अनॉय करते हैं, चिढ़ाते हैं जब वो बैड बग्स वो खटमलों को मारते हैं और उनके ब्लड से लिखते हैं अहिंसा परमो धर्म। बिल्लू नीलू की जो माँ है उसने गांधीवाद का जो लाइफ लॉन्ग एक्सपोजर किया है वो अपने बेटे को सरस्वती से शादी करता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि वो एक बिहारी है और दो दो जो कल्चर है उनके बीच में
इनसरमाउंटेबल है। वो ये कहती है कि साहब क्या आप एक पेड़ की छाल दूसरे पेड़ पर लगा सकते हो और ये उम्मीद करोगे वो टिकेगी, चाहे हम सरस्वती कहते हैं वो सरस्वती कहते हैं। जगरी 1943 की एक रात पर फोकस करती है जहां मदर और दोनों बच्चे हैं। वो बिल्लू की फांसी से पहले सारी रात जागती है। मैला अंचल एक ऐसा डायक्रोनिक स्प्रेड है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद ही एंड होता है, पर 15 अगस्त की जो मोमेंटमनेस है उसे काट दिया, उसे मैरीगंज में काट दिया जाता है कि जर्नल, ताकि इस नॉवल की पॉलीफेनिक मतलब बहुत भाषा वाले नॉवल की जनरल कार्निवल स्किल उठाया जा सके। गांव में रूमर है कि जब स्वराज आएगा आधा गांव पाकिस्तान में जाएगा। वो कहता है कि विल द शेयर ऑफ सूरज दैट इज मुस्लिम्स एक्चुअली गो टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में मुस्लिम का शेयर जाएगा या वो काट कर अपना हिस्सा ले लेंगे। हाँ, वो हमें हिंदू और मुसलमान, हम ये मानते हिंदू और मुसलमान भाई है और वो इनको इक्वल शेयर मिलेगा तो उन्हें 1 रुपए में 8 आने मिलेंगे। क्या ये जो भवन दास है कि हाँ, हैज दिस भवन दास इन फैक्ट सीन सूरज बीइंग कट अप और ही जस्ट गैसिंग, क्या इस भवन दास ने सूरज को कटता हुआ देखा या सिर्फ गैस कर रहा है? चलो आकर पूछते। भवन दास कहता है कि तुम क्या सोचते हो, सूरज कोई फल सब्जी है जिसे काटा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है? कि पर वो कहते हैं कि जो कि ये सूरज के भजन में क्या कहते हैं, टिल द फ्रूट ऑफ सूरज वी कैन विन गांधी जी हिज स्पिन व्हील, जब तक कि सूरज, हम सूरज के फल को जीत नहीं लेंगे तब तक गांधी जी अपना चरखा घुमाएंगे। तो यहाँ पे ये सूरज नहीं सर सूरज है। वो कहता है कि सर सूरज के जो लिख पढ़ने में गलती होगी, कहता है कि सर ये जो मुसलमानों को जो सूरज का फल है वो काट के दिया जाएगा, तो कहते हैं ये कोई फल है, इस तरह से चलता रहता है। ये जो सीरियस देशभक्ति का सीरियस डिस्कोर्स है वो कॉमेडी में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, फ्रीडम फाइटर के जो जबरदस्त शब्द हैं वो इन लोगों के पॉलिटिक्स के लोगों के मन में इको करते हैं। हालांकि जो ये अर्बन और गांव वालों के बीच में फर्क जैसे कि गोरा में था वो अभी नहीं आता। राग दरबारी जो है वो रंगनाथ की जर्नी से स्टार्ट होता है। एक कुर्ता पहनने वाला, झोला पहनने वाला दिल्ली का इंटेलेक्चुअल है जो कि शिवपालगंज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में खो जाता है, जिसका कि ना को पेस्टोरल है ना ही इनोसेंट है। पहले दो सेक्शन दिस इज द एज ऑफ सिटी, ये शहर का अंत है, इसके बाद में ग्रामीण भारत का समुद्र स्टार्ट होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमें इंटीरियर के बारे में कुछ नहीं पता है। कुछ 400 पेज है और उसके बाद में कुछ सरियल इंसिडेंट है जिसके बाद में रंगनाथ अपनी अनफिनिश पीएचडी को पूरा करने आता है। ये जो सारा कैलिडोस्कोपिक ड्रामा है वो उसके लाइफ में इंटरलूड का काम करता है। रेनू के नावल में भी एक अर्बन करेक्टर है, डॉक्टर, पटना वाला डॉक्टर जो कि अपनी मेडिकल रिसर्च को छोड़कर गांव में आ जाता है। शशि जो कि पहले गांव में एक डॉक्टर था, जैसे कि मनिक बंदोपाचार्य के पपेट स्टेल बंगाली का एक लिखा हुआ है जिसे बाद में पुटुल नच्छर के नाम लिथिका के नाम से पब्लिश किया गया था। वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर और एक लोकल लड़की के साथ रहने लग जाता है, पर वो अपने फ्रेंड्स को एक लेटर लिखता है जिसमें वो एक अर्बन कमेंट्री बताता है कि किस तरह गांव के लोग रहते हैं। गोरा की जो भारत को की खोज है वो रूरल बंगाल में जाता है जहां पर उसे भारत के अंदर जो टेंशन चल रही है उसका पता चलता है। गोरा जो है वो एक ऐसे फेथ को अडॉप्शन कर लेता है गोरा एक ऐसे फेथ को अब्जॉर्प्शन कर लेता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि सर वो कहती है कि सुचित्रा जब क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम मूर्तियों में विश्वास रखते हैं, गोरा कहता है कि मैं मूर्तियों में विश्वास रखता हूं नहीं है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपने देश में विश्वास रखता हूं। कुछ साल पहले UR अनंत मूर्ति ने भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन किया था। वो कहता है कि सर अंडरस्टैंडिंग की सदा की ढूंढना बहुत मुश्किल है कि अनंत मूर्ति ने यही कहा था। फनीश्वर नाथ रेणु, श्रीनाथ बहादुरी और श्रीलाल शुक्ला जो है उन्होंने अर्बन रूरल को थोड़ा कॉमिकली इनोसेंट फिगर बना दिया जो कि इंडियन रूरल लाइफ के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है।
गोरा के गोरा घर गोसा पारा गांव में दो बार विजिट करता है और उसे भी अपने रूरल नस्टोलिया का पता चल जाता है। उसकी पहली विजिट जो कि स्टार्टिंग में हो जाती है बड़ी एक्सोटिक थी, जिसमें रीडर को क्लियर कर जाता है कि उसका जो इंटरवेंशन था वो लोगों का को फायदे के बदले ज्यादा नुकसान करेगा। नॉवल के एंड में जब गोरा वापिस में घर गोसा पारा में जाता है तो उसे पता चलता है कि जिन परंपरागत वैल्यू को उसने आइडियलाइज किया था वो कहीं भी उसे रियल लाइफ में कहीं भी नहीं है। धर्म जो है वो एक फेथ की बजाय अब क्या है प्रेशर का काम करने लग गया है। गोरा ने हिंदुइज्म को भारतवर्ष के साथ जो जोड़ा था वो उससे, क्योंकि उसको अपने बर्थ की नॉलेज होती है, जब पहले उसे पता चलता है कि मैं तो आयरलैंड का बच्चा हूं तो वो कहता है कि नो पास्ट नो फ्यूचर, कोई पास्ट नहीं कोई फ्यूचर नहीं, कोई पेरेंट नहीं कोई कंट्री नहीं, कोई कास्ट नहीं कोई नेम नहीं, कोई लीनेज नहीं कोई गॉड नहीं। फिर उसे कहता है कि ये बताओ मैं क्या करूं, मैंने कहता कि काश मैं बिना किसी धर्म के पैदा हुआ होता और बिना किसी पॉल्यूशन के पैदा होता तब मैं आज एक इंडियन हूं। यहां यह भी देखना चाहिए कि उसने भारत नहीं बल्कि भारतवर्षीय यूज किया है। गोरा की जो ये जो सिचुएशन है उसे हम दूसरों से नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम उसे क्लास कास्ट एथनिटी सी वगैरह किसी से भी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। पर गोरा के केस है उतना यूनिक नहीं है जितना हम सोचते हैं। उसकी सिचुएशन जो है जैसे मैला अंचल में प्रशांत जो डॉक्टर है वो इंडियननेस को उसे इंडियन, वो इंडियन कैसे बनता है कि उसका बर्थ भी इंडिया में होता है और उसको अडोप्ट भी इंडिया में किया जाता है। वो भी एक ऑर्फन है जिसे उसे गोद लेने वाले माँ बाप लेके आते हैं जिनमें से एक बंगाली था। वो गाँव जिसमें वो अपनी कास्ट अपनी कम्युनिटी वगैरह जाति के बारे में पूछ रहा उसे पता ही नहीं है कि इन क्वेश्चनों उत्तर क्या है। वो कहता है कि साहब मैं बाय कास्ट एक डॉक्टर हूं और बाय इंडियन एक कम्युनिटी बाय एक इंडियन हूं। फिर भी वो ये फील करता है कि मैं इन पिजन होल्स के अंदर नहीं हूं, पता नहीं मैं कहां पे हूं। किपलिंग से किम से लेकर रविंद्रनाथ के गोरा तक, पॉल स्कॉट के हरि कुमार से लेकर फणीश्वर नाथ रेणु के प्रशांत कुमार तक जितने भी अनाथ या डिस्प्लेस्ड बच्चे हैं वो नोवलिस्ट को ऐसी फिक्शनल स्ट्रेटर्जी देते रहे हैं जिनसे वो रेस क्लास कास्ट वगैरह की प्रेशर से दूर चले जाते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन हमारे आज के टाइम में भी हैं और कुछ क्वेश्चन अपनी रेलिवेंस खो चुके हैं। पोस्ट मॉडर्न नॉवल में कॉलोनियल और नेशनलिज्म जो पहले दो इंपॉर्टेंट काम थे अब आपस में मिल गए हैं जिससे कुछ फर्क पड़ गया। जैसे शैडो लाइन जो अमिताभ घोष की है उसमें नेशनल बाउंड्री की इल्यूजनेस के बारे में बताया जाता है। घोष के दो नॉवल और हैं गोइंग अवे और कमिंग होम, मतलब इसी नॉवल के दो पार्ट हैं गोइंग अवे और कमिंग होम जो ये बताते हैं कि किस तरह से जो लोग अपने घर से अलग हो गए हैं वो कितने ज्यादा डिफिकल्ट हैं, किस तरह से इस मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा। घोष के जो नॉवल में दादी है वो ढाका में जब अपने चाइल्डहुड होम में जाती है, बहुत सालों बाद जाती जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था जिससे ढाका एक और देश बन गया था, तब वो उसे इसको अपनी जर्नी को कमिंग सोचती है जिससे कि क्या होता है उसका पोता जो है बड़ा खुश होता है जो उसे पता ही नहीं है कि कमिंग और गोइंग में फर्क क्या है। वो इसलिए खुश होता है कि इसको दादी को तो यही नहीं पता कि कमिंग और गोइंग में फर्क क्या है। जो ये जो जितनी भी डिवाइडिंग लाइन है वो एक एंस्ट्रल होम जो कि एक्चुअली एक जिसमें क्या था एक डोर अवे और एक लेबोरेटरी था, एक ओल्ड कमोड और एक नेम प्लेट था, उसका जाना है या नेशनल बाउंड्री का जाना है कि एक बार बाउंड्री खींच गई है तो दोनों लैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। जब वो कलकत्ता से ढाका जाते हैं तो दादी क्या करती है कि वो देखती है कि किस तरह बॉर्डर विजिबल होता है, एक लंबी लाइन जिसमें एक तरफ ग्रीन है और दूसरी तरफ स्कारलेट है जैसे कि एक स्कूल एटलस में था, और वो सोचती है कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। एक और फेमस पंजाबी नावल बंगाली नावल जिसका नाम है प्रभा पश्चिम जो कि उसी साल 1988 में पब्लिश हुआ था, इसमें तीनों कंट्री जो है अमिताभ घोष के शैडो लाइन की तरह इंटरलिंक हो जाते हैं। ईस्ट बंगाल जिसे पहले बांग्लादेश बाद में बांग्लादेश कहा जाता था, इंडिया और इंग्लैंड और तीन धर्मों के लोग और तीन देशों के लोग जो है एक दूसरे की लाइफ और डेथ पर अड़े रहते हैं। ये हमारे समय का एक बहुत जबरदस्त टैक्स है जिसमें ह्यूमन लाइफ जो है एक देश से दूसरे देश में जाती रहती है, लैंग्वेज और लॉयल्टी जो है उसमें नेशनल फ्रंटियर से हम कंटेन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ब्लरिंग नहीं है। घोष ने जो
अपना इमिग्रेशन रिलीजन जो था वो लेके आया, वो एक ओल्ड ज्योमेट्री कंपास के रस्टी कंपास से खेलते हुए या बार्थमल्लू एटलस की एक फटी कॉपी से लेकर जो शेडो लाइन का नरेटर है वो डिस्टेंस का मीनिंग निकालता है, चाहे वो रियल है या कंस्ट्रक्टेड है। उसका कजन जो होता है वो उस मूवमेंट के पैराडॉक्स पर सोचता है। घोष की जो कैटास्ट्रोफी इमेजिनेशन है उसमें हमारा जो सेंस है वो ग्लोबल प्लेस का वो लेकर आती है। जब एक पुरानी ज्योमेट्री कंपास से बच्चा एक रस्टी कंपास से खेलता है और उसके पास एक एटलस की फटी कॉपी है तो नरेटर जो है उसे डिस्टेंस का मीनिंग दोबारा समझ में आता है, चाहे वो रियल हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो। और वो कहता है लुकिंग ग्लास बोल्डर। एक बंदा यह आर्ग्यू कर सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का नोवलिस्ट जो है वो ग्लोबल टर्म में का यूज कर सकता है क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है वो नेशनल बाउंड्री से फ्री है, पर ये जो इल्यूजनरी शैडो लाइंस हैं वो बंगाली नोवल जो सुनील गंगोपाध्याय ने लिखा था जिसका नाम था जोचना कुमारी, जिसमें एक रूरल लीजेंड सेलिब्रेटेड लड़की थी फोक सॉन्ग में बात करती है जिसके कि घुटनों तक लंबे लंबे बाल थे जो हमेशा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है और वो जैसे ही उसको इंसानों की आंखें देखती है वो गायब हो जाती है। उसे एक गैंग रेप लड़की के रूप में दिखाया जाता है जो कि बांग्लादेश के फ्रंटियर के पास मिली थी, शायद एक स्मगलर थी, पर उसकी आइडेंटिटी जो है वो उसकी आइडेंटिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश के बीच में टेंगल बन जाती है। नरेटिव कई लेवल पे निकलता है, लड़की को कई बार क्वेश्चन किया जाता है, कई बार लड़की एक नॉर्मल पर्सन है, कई बार मेंटली परेशान है, कई बार उसे बिना कहा जाता है एक हिंदू लड़की है जो बांग्लादेश से शरण लेने आई है, या फातिमा कहा जाता है जो कि एक अरब शेख से को बेचने से बचकर आई है। फाइनली जब लड़की को बीएसएफ वाले गोली मार देते हैं तो वो लड़की जो है वो बिल्कुल आधे रास्ते में गिर जाती है, जैसे सदात हसन मंटो की स्टोरी में होता है या बाद में मशहूर हिंदी फिल्म हिना में हुआ था, जो दो देशों के जो सोल्जर है लड़ते हैं और वो किस पर लड़ते हैं, शव के ऊपर लड़ते हैं कि वो उसे हिंदू हिंदू राइट दें या उसे इस्लामिक राइट दें। जो ये फीमेल बॉडी है वो रेडिएंट हो जाती है और जैसे लीजेंड की वुमन की तरह वो हवा में गायब हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि साहब जो जितना भी रिटर्न है या मैजिकल है वो हमारे नरेटिव में है। इस तरह से जो बाउंड्री की फ्लूडिटी है, ये जो रिसेंट टेक्स्ट है वो बहुत कुछ दिखाते हैं। जो इनमें आदर्शवाद है या एब्सोल्यूट डायकोमी है जो 20th सेंचुरी की अब वो ज्यादा नहीं रह पाती हैं, हमारा अंदर जो सेल्फ चेंज हो गया है। जैसे यंग लाइन शैडो लाइन के अंदर नरेटिव क्या बोलता है, हर एक आदमी एक स्टोरी में रहता है क्योंकि स्टोरी ही वो चीजें हैं जिसमें हम रहते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आपको चुनना है। ऑब्वियसली हमारी पॉलिटिकल लाइफ आज जो है वो नहीं है जो हमने चुनी हो, क्योंकि आज हम उन स्टोरी को नहीं चुनते हैं जो हमारे पास्ट के बारे में जो 20th सेंचुरी चुनी जाती थी, जिससे हमारा प्रेजेंट का जो परसेप्शन बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टिंग एंग्विश रिडन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।